मम्मा आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज बेटा हम जा रहे हैं चिकन करी बनाने। और चिकन करी में क्या क्या डालना है बता दे दोस्तों। चिकन करी में खारा गरम मसाला डालेंगे और तेजपत्ता और लाल मिर्ची और मसाला, ये पाउडर है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, 2 चम्मच है धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और ढेर सारा हम प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्ची। कितना प्याज काटे हैं इसमें? 1/2 kg से ज़्यादा थोड़ा प्याज है और 2 हरी मिर्ची और लहसुन लिए हैं, खड़ा गोटा लहसुन लिए हैं और अदरक के हमने घीस लिया है और 1 kg चिकन लिए हैं और 2 टमाटो लिए हैं। अब हम चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसमें डाल रहे हैं सरसों के तेल, कढ़ाई गरम हो गया है। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालते हैं लाल मिर्ची, तेजपत्ता, साबुत गरम मसाला, अब इसमें डालेंगे लहसुन, साबुत लहसुन, डालेंगे प्याज, प्याज के अच्छे से हम लाल करके भूनेंगे। मसाला को पानी में डाल के थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ, तो प्याज लाल होगा जब तक, मसाला फूल जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज लाल हो गया है, अच्छे से भिजा गया है प्याज। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हम पानी में डाल के छोड़ दिए थे खुलने के लिए। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे टमाटो। अब डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे टमाटो के। दो मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अभी मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, मसाला तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, चिकन डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक ढक के पकाएंगे। 1 से 1.5 घंटा लगता है ये चिकन करी पकने में। गैस मीडियम करके इसको ढक ढक के पकाएंगे। देखिए कितना सुंदर चिकन पक गया है और तेल छोड़ दिया है, देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है अभी खा जाए निकाल के। बहुत सुंदर हो गया बनके, आप लोग देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से सीज गया है और मसाला तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी थोड़ा सा, मतलब जितना चाहिए, जितना ग्रेवी चाहिए वो इतना ही, वो हिसाब से पानी आप लोग डाल के बना के खाइए। एक चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे चिकन मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चिकन बन के रेडी हो गया है। अभी 1 सेकेंड 2 सेकेंड और बनाएंगे इसको, पकाएंगे 2 सेकेंड और पकाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा चिकन करी,
थोड़ा देर और ढक के पका लेती हूँ। ऐसे चिकन रेडी हो गया है, देखिए चिकन बन के रेडी हो गया है। चिकन करी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम गैस के बंद कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। और आज का मेरा ये चिकन करी का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नया वीडियो डालें। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।